मेरा सवाल है कि जो हम सदका देते हैं उससे हमें क्या फ़ायदा होता है हमें क्या फ़ायदा होता है तुम सदका देते हो तो कम अज़ कम दूसरों का तो फ़ायदा होता है ना हमें कुछ दूसरों का भी फायदा सोचना चाहिए कि नहीं सिर्फ अपना ही फ़ायदा देखना है कि दूसरों का भी देखना है दूसरों का भी देखना है देखना चाहिए ना एक गरीब आदमी है तुम बैठे बर्गर खा रहे हो नैंडोज खा रहे हो हैं चिप्स फिश एंड चिप्स खा रहे हो और दूसरा बेचारा लड़का एक तुम्हारी उम्र का बैठा है भूखा हैं उसने खाना भी नहीं सुबह नाश्ता भी नहीं किया हुआ और खाने को भी कुछ नहीं है और उसके पास कपड़े भी नहीं हैं पहनने के लिए और तुम अगर उसको पैसे देते हो कि तुम कपड़े अच्छे पहन लो और खाना खा लो तो उसका फ़ायदा होगा ना जी। ठीक है ना वो तुम्हें शुक्रिया अदा करेगा ना तुम्हारा ठीक है ना जब तुम उसका शुक्रिया तुम्हारा अदा करेगा तुम्हें खुशी होगी कि नहीं होगी 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 ना तो एक तो, तो तुम्हें फ़ायदा यह हो गया कि तुम्हें सदका देने से खुशी पहुंची ठीक है एक तो ये फ़ायदा हो गया ना दूसरा फ़ायदा यह हुआ कि बड़ा फ़ायदा कि जब तुमने गरीब की मदद की तो अल्लाह ताला कहता है कि मैं भी तुम्हें इसका जजा दूँगा रिवार्ड दूँगा ठीक है अल्लाह ताला भी तुम्हारे से खुश होता है ठीक है अल्लाह ताला खुश होता है अल्लाह तक तुम नेकी करोगे तो तुम्हें नेकी का मैं बदला देता हूँ दस गुना बल्कि सात सौ गुना तक और इससे भी ज़्यादा ठीक है तो अल्लाह ताला भी तुम्हें नेकियों को बदला देता है अल्लाह ताला तुम्हारी इस नेकी की वजह से हो सकता है तुमने पाँच यूरो किसी पे ख़र्च किए सदक़े के तो अल्लाह ताला तुम्हें पाँच सौ योरो दे दे सौ यूरो दे दे या अल्लाह ताला तुम्हारी कोई और ख़्वाहिश पूरी कर दे अल्लाह ताला तुम्हारे से खुश हो जाए तुम्हें और नकियाँ करने की तौफीक दे फिर एक नेकी से दूसरी नेकी बढ़ बचे देती जाती है और बढ़ती जाती है ठीक है तो ये फ़ायदा है एक तो, तो तुमने उस बंदे को खुश किया उसकी दुआएं ली उसकी दुआओं से तुम्हें फ़ायदा पहुंचेगा फिर अल्लाह ताला खुश हुआ अल्लाह ताला खुद भी तुम्हें बहुत ज़्यादा रिवार्ड देगा तो इससे बड़ी और फिर तुम्हें खुद अपने दिल को भी सुकून मिलेगा कि मैंने किसी गरीब आदमी की मदद की तो सदका के फ़ायदे तो हो गए ना कि नहीं हुए हो गया ना हो गया ना फ़ायदा बस फिर जाके दिया करो सर का ठीक